आजकल हमने ईसा अलैहि सलाम को मजाक बना लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अल्लाह करे हमारे समझ में आ जाए, अल्लाह करे हम सबके समझ में आ जाए ये बात। कोई आदमी इंतकाल हो गया, मेरे वालिद साहब इंतकाल हो गए, ठीक है, मैं अपने वालिद साहब की दावत कर रहा हूँ, तो ये ईसा अलैहि सलाम की दावत है। अब इस दावत पर किसका हक है, किसका हक है आप बोले? इस दावत पर गरीबों का हक है, रिश्तेदारों का हक नहीं है। आज जो आदमी बेचारा कहीं वफात हो गया, किसी आदमी का इंतकाल हो गया, हम लोग नाराज़ होते हैं, मेरे को नहीं बुलाया। अरे भाई, ये मरने वाले की दावत है, ये क्या शादी वलीमा है? आजकल हर दावत पर हमारा कब्जा है, शादी की दावत पर हमारा कब्जा है, वलीमे की दावत पर हमारा कब्जा है, चिल्ले छट्टी जो भी हो रही है उन सब पर हमारा कब्जा है। भाई, एक दावत गरीबों की बची, इस पर भी तुमने कब्जा कर लिया, इस दावत को तो छोड़ो। इसलिए जो आदमी मालदार है, सब कुछ है, हैसियत रखता है, उसको आदमी को इजाज़त नहीं है कि मरे। जो आदमी इंतकाल हो गया और इंतकाल वाले की तरफ से दावत करे, उस दावत में जाए। आज हम ठट्टे मारते हुए जा रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं और ये नहीं बनाया। इसी मस्जिद की बात है, मैं खुदा की कसम खा कहता हूँ, आप लोग भी दो चार आदमी यहाँ पर गवाह होंगे इस बात को। अभी वफात हुई थी, दो तीन दिन पहले, आप सबको मालूम है, तो यहाँ खाना खा रहे थे। मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है, मस्जिद में मैं कसम खा कर बोलता हूँ, एक आदमी ने यहाँ मैंने अपने कानों से सुना, कहा गोश्त गला नहीं, गोश्त गला नहीं। ये की बात है कि मैयत की दावत खा रहे हैं, गोश्त गला नहीं। अल्लाह, खुदा की कसम, अल्लाह तबारक पता था उस वक्त नाराज़ हो गए होंगे, अल्लाह का अर्श भी हिल गया होगा उस वक्त, जिस वक्त हमने ये कहा, हम मैयत की दावत में आए और हम ये कह रहे हैं गोश्त गला नहीं, कहाँ चले गई हमारी शर्म। कल को जब हमारी वफात होगी और हमारी वफात पर कोई आदमी ये कहेगा गोश्त गला नहीं, जब उस वक्त मालूम होगा हमें क्या होता है। तो इस वक्त सबसे पहले अगर कोई आदमी किसी वफात होने वाले के आदमी की तरफ से दावत कर रहा है, तो उस दावत पर मालदार आदमी को हर किसी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो भाई मजबूर है, उन्हें तो बुलाएगा बेचारा, क्या करे, उसको रिश्तेदारी निभानी है, उन्हें नहीं बुलाया तो इन्हें नाराज़ हो जाता ना, इन्हें नाराज़ हो जाता। तो इसलिए आदमी खुद सोचे, भाई ये मस्जिद की तरफ से दावत है, इस दावत पर सिर्फ गरीब का हक है और किसी का हक नहीं है। ईसा अलैहि सलाम जब पहुँचेगा, जब गरीब को खिलाएंगे, अगर मैं ज़कात के पैसे दे रहा हूँ, सदक़े के पैसे दे रहा हूँ, और मेरे सामने कोई बहुत बड़ा मालदार आदमी, मैं उसको दे दूँ, क्या अदा होगा? वो नहीं होगा, सबको मालूम है। तो वो भी ईसा अलैहि सलाम है। तो ईसा अलैहि सलाम की दावत पर हर किसी गरीब मालदार आदमी ना जाए, उन्हें बुलाए, उन्हें मजबूर है बुलाता, उसके बुलाने पर नको जाओ, उन्हें बुला रहा छोड़ दो, पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं आऊँगा, फिर मालदार हूँ मैं ऐसे। लेकिन गरीबों को, मदरसे के बच्चे हैं, बस्ती में जितने गरीब हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, अंधे हैं, काने हैं, बेसहारा हैं, यतीम हैं, जिनके ऊपर कोई सहारा नहीं है, उनको बुला के उनको खिलाएंगे तो सवाब पहुंचेगा। ये बात अपनी अच्छी तरह जहन में बिठा लें। आप किसी से भी पूछ लें, मैं अकेला मौलवी साहब नहीं हूं दुनिया में, आप किससे पूछ सकते हैं। अगर हमने बरसी की दावत हो रही है, बड़ी बड़ी, मैंने देखा बरसी की बड़ी बड़ी दावत हो रही है, चार चार पांच पांच तरह के खाने बन रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने लोगों को बुलाता, रिश्तेदारों को, किसी गरीब को नहीं बुलाता। तो हुजूर ने फरमाया कि यह शर वाली दावत है, शर वाली। इस दावत से शर तो फैल सकता है, लेकिन इस दावत से खैर नहीं फैलेगी। तो बातें तो बहुत सारी हैं, इस बात पर अमल करें कि कहीं अगर ऐसी दावत हो तो वहाँ मालदार आदमी हर किसी ना जाए, खुद को बचाए। ये गरीबों की दावत है, गरीबों के लिए एक आध दावतों को छोड़ दे, हर दावत पर हमारा कब्जा हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए।